रॉयल एनफील्ड हमेशा ही बहुत शानदार बाइक्स को लेकर आती है और शायद यही वजह है कि कंपनी के बाइक्स के लिए लोग इंतजार भी करते हैं। लोगों के इस इंतजार को खत्म करते हुए कंपनी ने थोड़े वक्त पहले ही अपनी दो शानदार बाइक्स इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी को बिक्री के लिए मार्केट में पेश कर दिया था। बिक्री के लिए मार्केट में आते ही इन बाइक्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी थीं और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 को तो इंडिया मोटरसाइकिल को ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन आज हम आपको कंपनी की एक और आने वाली बाइक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि इतनी ही पॉपुलर होगी और इस बाइक का नाम हिमालयन एडवेंचर 650 हो सकता है। पर आगे बढ़ने के पहले यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें इस गाड़ी की तो रॉयल एनफील्ड अपनी हिमालयन सीरीज में ज्यादा पॉपुलर बाइक्स को शामिल करना चाहती है और ये गाड़ी 650 सीसी के पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आ सकती है। इस इंजन से गाड़ी को 47 bhp की पावर के साथ 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। यही इंजन कंपनी की बाकी दोनों 650 सीसी बाइक्स में भी है। इस इंजन में सिंगल ओवरहेड कैम और एयर कूलर जैसे फीचर्स हैं, जो कि इंजन को ठंडा रखते हैं। साथ ही इसमें नया बैलेंसर शॉफ्ट भी होता है, जो कि वाइब्रेशन को कम कर देता है और गाड़ी को ज्यादा अच्छा अनुभव देता है। इस इंजन को बनाने के लिए यूके टेक्नोलॉजी सेंटर और रॉयल एनफील्ड के टेक्नीशियंस ने एक साथ काम किया है। बात करें रॉयल एनफील्ड हिमालयन में मिलने वाले अभी के इंजन की, तो इसमें 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 24.5 bhp की पावर के साथ ही 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। फिलहाल मिल रहे वर्जन में 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, लेकिन नए वर्जन में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है। खबरों की माने तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650 जून तक लॉन्च हो सकती है, लेकिन कीमत की बात करें तो इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जल्द ही हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही सभी के साथ शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद।